स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार, लेक्चरर जीपी गया। हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सिलियरी व्यू लेक्चर 7, 6 तक कर चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर 7 करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे ये। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं यूज ऑक्सिलियरी प्लेन मेथड के। यूज ऑक्सिलियरी प्लेन के मेथड से हम लोग ड्रा द प्रोजेक्शंस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन करेंगे, जिसमें दिया हुआ है 25 mm साइड है, हैविंग वन ऑफ इट्स साइड्स इन द एचपी एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द वीपी एंड इट्स सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एचपी। तो हम पिछला लेक्चर में कर चुके हैं कि 45 डिग्री एंगल इंक्लाइन रहेगा एचपी के साथ। तो हम ये फिगर और ये फिगर तक कर चुके थे। आज हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें डबल इंक्लाइनेशन लिए हैं। एक 45 डिग्री तो है ये है, और एक 60 डिग्री हम इंक्लाइनेशन ले जा रहे हैं, जो कि बोला है वीपी के साथ। तो ये 60 डिग्री हमने एचपी में ले लिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ इस फिगर को ऐसे घुमा देना है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो देखिए ये फिगर यहाँ कैसे बनेगा, जो आप लोग देखिएगा। सबसे पहले कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, हम इस पर नाप करके ले लेंगे ए से बी तक का डिस्टेंस, ठीक है। ए से बी तक का जो डिस्टेंस हम इस पर नाप के लेंगे, हम यहां से नहीं लेंगे ए से बी, क्योंकि हमें फिर ये भी पाना है। तो ये इसमें इंटरसेक्ट ना करे, इसके हिसाब से हम अपना मैनेज करते हुए इसको ए से बी ले लेते हैं। देखिए अगर हम यहां पर से ए से बी लेते हैं, तो हमारे टकराने का चांसेस रेयर केस होगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो नेमिंग हो गया A2 और यहाँ पर का जो नेमिंग हो गया हमारा B2, ठीक है। अब A2 और B2 पे A से E तक और B से D तक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर लाइन हम लोग A2 और B2 पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री ले रहे हैं, और एक और हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री हम लोग इसलिए लिए हैं क्योंकि हम देख रहे हैं A1 पे AE 90 डिग्री है, और B1 पे D1 भी हमारा कितना है 90 डिग्री है। तो अब A1 से E1 को हम मेजर कर लेते हैं। देखिए A1 से E1 जितना होगा उतना ही D1 से D1 होगा। तो देखिए A1 से E1 को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, तो A2 से ये हमारा हो गया E2 का पोजीशन, फिर ये हमारा B2 से हो जाएगा D2 तक का पोजीशन, ठीक है। अब इसको हम लोग मिला लेते हैं, अब हम लोग इसको मिला लिए, ठीक है। अब देखिए अब करना क्या है कि A1 से F1 जितना है, एक आर्क लेकर के हम लोग A2 से इधर काट कर लेंगे, और B2 से इधर काट कर लेंगे, फिर यहाँ B2 से, और फिर ये यहाँ से, इस तरह से हम लोग काट कर लिए। अब मिला देंगे तो सेम रेगुलर हेक्सागन का जो है टॉप व्यू हमारा इधर इंक्लाइंड हो गया कितना डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे ये हमारा इंक्लाइनेशन हो गया। ये देखिए तो हमारा ये कैसे घुमाए, ये आप लोग देख लिए कि ये हमारा A2 B2, ये हमारा C2, ये हमारा D2, ये हमारा E2 और ये हमारा F2 हो गया। सभी को ऊपर हम लोग ले जाएंगे प्रोजेक्ट करके, वन टू थ्री फोर
फोर फाइव, अब एक और लास्ट ले जाएंगे, ये सिक्स, ठीक है। सभी को हम नीचे से ऊपर ले गए प्रोजेक्ट करके, और यहां से सभी को बाएं से दाएं ले जाएंगे, और इसी फिगर को हम लोग ग्राफिक्स में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में पहले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट्स का हम पता लगा लेते हैं। ये हमारा ए इधर गया है, यहाँ से चला तो ये हमारा ए टू डैश, बी टू यहाँ गया बी टू, ये हमारा बी टू डैश, सी टू ये हमारा बीच वाला यहाँ गया सी टू डैश, और ये डी टू किनारे वाला यहाँ गया डी टू डैश, और ई ई हमारा यहाँ आ गया तो इसका नेमिंग हो गया ई टू डैश, F यहाँ गया और F यहाँ से इधर गया तो ये हमारा हो गया F टू डैश। इस प्रकार जब हम लोग यहाँ पे A टू B टू C टू D टू को मिलाएंगे तो ये हमारा जो है फाइनल प्रोजेक्शन आएगा, जिसमें हमारा AB साइड जो है देखिए HP पर है AB, यहाँ भी हम उठाएं तो इस प्रकार से तो AB जो हमारा साइड है वो HP पर रहेगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से ये हमारा फाइनल प्रोजेक्शन ये आया, और ये फाइनल प्रोजेक्शन को इसी फाइनल प्रोजेक्शन को ये हमारा डायमेंशनिंग करते हैं, 25 mm साइड था, ठीक है, ये 60 डिग्री पे इंक्लाइन किए, तो इसी फाइनल प्रोजेक्शन को ये फाइनल प्रोजेक्शन को हमको विथ दी हेल्प ऑफ ऑक्सिलियरी प्लेन मेथड के तरीका से बनाना है। तो देखिए अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, अभी हम लोग के पास यहाँ इतना जगह, हम इसमें बना के दिखाएंगे कि हमारा फाइनल प्रोजेक्शन जो है यही आएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स अब हम लोग ऑक्सिलियरी प्लेन के मेथड से इस फाइनल फिगर को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हम फिर से नया एक्स वाई लिए हैं, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है हमारा ये आंसर नहीं होगा ये वाला, इसको हम इसलिए बना लिए हैं क्योंकि ये फाइनल प्रोजेक्शन को हम ऑक्सिलियरी प्लेन के मेथड से यहाँ दिखा सके, तो इसका जो हमारा फाइनल आंसर होगा यहाँ बनाने जा रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे, ये हेक्सागन हम एक ले चुके हैं जिसका साइड 25 mm है और एक साइड HP पे हमको लाना है, तो देखिए कैसे लाएंगे, इसका फ्रंट हम लोग यहाँ ले लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको में कैसे करेंगे, इसको जो हम लोग कंसिडर करेंगे तो इसका नेमिंग हम लोग कर लेते हैं यहाँ ए बी सी डी ई एफ, यहाँ हो गया ए डैश बी डैश सी डैश एफ डैश और यहाँ डी डैश और ई डैश। यहाँ पे जो ये एंगल अब हम लेंगे 45 डिग्री का ये एंगल लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग एक 45 डिग्री का एंगल ले रहे हैं, ठीक है, और इस 45 डिग्री पे इसको हम लोग मेजर कर लेते हैं इसको, ये हमारा एक्स वाई जो ये नया रिफरेंस लाइन होगा वो एक्स पेंसिल से होगा, ये हम लोग 45 डिग्री पे ये रिफरेंस लाइन एक ले लिए, इसको हम लोग और इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन, ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन पे अब हम लोग पहले टॉप व्यू को दिखाएंगे, तो देखिए टॉप व्यू को कैसे दिखाएं, तो पहले हम बता चुके हैं यहां से इस सब पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा, तो देखिए
हम यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए यहां से हम लोग इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 90 डिग्री। इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा और सारा इसके पैरेलल चलेगा। देखिए ये हम लोग एक फर्स्ट लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए सेकेंड लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं। फिर यहां से ये थर्ड लाइन इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहे हैं हम। ठीक है, अब इस हेक्सागन को यहां बनाएंगे। तो देखिए कैसे बना रहे हैं इसको हम लोग। यहां से ये एक्स वाई से हम, ये हमारा एक तरह से मान लीजिए पुराना रेफरेंस लाइन और ये हमारा नया रेफरेंस लाइन हो गया। तब पुराने से नाप करके नए पे कट करेंगे। देखिए ये हमारा बी है और ये हमारा डी सेम डिस्टेंस पर है, तो हम बी और डी को नाप लिए। तो यहां से जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा बी होगा और यहां से जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा डी होगा। अब ये हमारा सी, सी सबसे बड़ा डिस्टेंस पर है, तो यहां से हम इसको कट कर लिए तो ये हमारा सी हो गया। अब देखिए ए और ई, तो ए और ई एक डिस्टेंस पर है, तो यहां कट कर लिए ए हो गया, यहां कट कर लिए तो ई हो गया। अब एफ को देखते हैं, इतना डिस्टेंस पर है, एफ को भी लेकर के यहां हम लोग कट कर लिए। अब क्या करेंगे, सभी को मिला देते हैं। देखिए इन सबों को मिला देते हैं, वन इतना हम पिछला लेक्चर में भी कर चुके हैं, लेकिन हम अभी बताएं कि इसमें हमको डबल इंक्लाइनेशन का केस को देखना था, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। और एक चीज जरूर ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे पा रहे हैं, इसलिए आपको पाने में दिक्कत ना हो। इंच प्रकाश सब हम यूज कर रहे हैं। ये हमारा 45 डिग्री था, तो देखिए यहाँ हमारा नाम हो गया A1 डैश, यहाँ हमारा नाम हो गया B1 डैश, यहाँ हमारा नाम हो गया C1 डैश, यहाँ हमारा नाम हो गया D1 डैश, यहाँ हमारा नाम हो गया E1 डैश और यहाँ हमारा नाम F1 डैश। अब हम लोग इसमें ऑक्सिलियरी प्लेन के मेथड से अब हम इसको फाइनल प्रोजेक्शन करेंगे, तो वो हमारा है 60 डिग्री। तो अब हम कोशिश करेंगे कि जितना नजदीक हो उतना नजदीक से हम 60 डिग्री का एंगल ले रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमको फिगर, ये फिगर को लाना था, इस कारण हम अभी फिलहाल आधा पोर्शन मिटा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा है 60 डिग्री के एंगल पर है, तो ये एक साइड हमारा 60 डिग्री के एंगल पे था, इसलिए हम इस साइड को आगे प्रोसीड करके हम ये एक लाइन जो इससे कितना डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है। अब हम लोग कैसे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, अगर सही परपेंडिकुलर होगा तो हमारा ये फाइनल फिगर सही आएगा, अगर परपेंडिकुलर सही नहीं होगा तो हमारा फाइनल फिगर में थोड़ा इरर आ जाएगा। इसलिए देखिए मेरे पास तो यहाँ पे मिनी ड्राफ्टर नहीं है, मगर हम इस कार्ड की मदद से देखेंगे कि ये दोनों हमारा एक दूसरे से कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। हमको इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर लेना है, तो हम इस एज को इस एक्स वाई पे से डाके रखेंगे, तो ये एज हमारा परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लिए। सिमिलरली यहाँ हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, देखते जाइए, सिमिलरली यहाँ भी हम ले लिए हैं। अब जो दूर का डिस्टेंस पॉइंट है, ये कार्ड भी हमारा छोटा पड़ जा रहा है, इसलिए हम इस कार्ड पे अब हम इंच को सटा लेते हैं और इसकी मदद से देखिए यहाँ इसकी मदद से अब इस पे हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे। ये पॉइंट का पहले लेंगे हम लोग, ठीक है। यस, ये हमारा आ गया इस पर परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग अब यहां से इसके परपेंडिकुलर ले रहे हैं। देखिए इस तरह से
ठीक है, अब एक पॉइंट और बच गया, इसको भी हम लोग को परपेंडिकुलर लेना है। इसको पहले काट को इस पे डालते हैं और इसको इस प्रकार यहां हम एडजस्ट करके इस पे भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि हमारा फाइनल फिगर थोड़ा अच्छा आए। ठीक है, अब हम लोग फर्दर इसको आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए लगभग हमारा इतना में काम हो जाना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग मेजर कर करके, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहां हमारा ए और बी इसी एक्स वाई डिफरेंस एक्स वन वाई वन रिफरेंस लाइन पे है। तो यहां देखिए ये ए गया है, तो यहां पे हमारा ए वन का डैश हो जाएगा। अब यहां पे बी है, तो B वाला कौन सा है मेरा पोर्शन, तो B वाला ये पोर्शन है B1 का, तो यहाँ पे हमारा B1 का डैश। अब हम मिला करके देखते हैं A2 डैश से B2 डैश का जो यहाँ डिस्टेंस है सेम यहाँ डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा C1 था, तो C1 का डिस्टेंस अब हम लोग मेजर कर लेते हैं इस वाले रिफरेंस लाइन से। जरा ध्यान से देखिएगा, ये हम धागे की मदद से इसको हम सी से एफ को मेजर कर ले रहे हैं, इतना हमारा डिस्टेंस आया। तो सी पर इस नए रिफरेंस लाइन पे रख करके इसको हम लोग कट कर लेंगे, तो ये हमारा डिस्टेंस C1 हो गया और एफ भी हमारा यही डिस्टेंस है। एफ वाला ये लाइन गया है, तो एफ पर ये हमारा डिस्टेंस ठीक है F1 हो गया। तो इसका नाम A1 डैश, B1 डैश, C1 डैश और इसका नाम F1 डैश। अब हमारा बच गया D और E, तब हम लोग D और E को मेजर कर लेते हैं यहां से D और E। तो यहां से जब कट कर लेंगे तो ये हमारा जगह D और E हमारा, यहां से इसको मेजर कर लेंगे तो ये हमारा जगह E। तो अब हम लोग इसका ए बी सी, ये हमारा D1 डैश और ये हमारा E1 डैश, इन सबों को मिला लेते हैं हम। देखिए इन सबों को मिला ले रहे हैं तो हमारा फाइनल फिगर इस तरह का आना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रोसेस जो है रॉन्ग हो जाएगा। बनाने के बाद मिलाते हैं इसको कि आ रहा कि नहीं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेम फिगर को हम प्राप्त कर लिए विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलियरी प्लेन। ठीक है, तो अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इसको, ये मेरा लास्ट प्रॉब्लम किए हम लोग इसको। अब हम लोग नेक्स्ट फिर से लेक्चर 1 आएंगे, लेकिन नए चैप्टर के साथ आएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरा वीडियो को भी से सॉफ्टवेयर पे देखते रहें। ओके, थैंक यू।